हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट डॉट पी के। आई एम आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं यूरोप की सबसे ट्रेंडिंग खबर। यूरोप की सबसे बड़ी खबर आज ये है कि फिनलैंड ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो नेटो ज्वाइन करने लगा है। एज वी ऑल नो कि रशिया और यूक्रेन की इस वक्त जंग जारी है और फिनलैंड इन दोनों कंट्रीज का नेबर है। रशिया के यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का जो रीजन था वो ये था कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करने के लिए अपनी एप्लीकेशन बार बार सबमिट करा रहा था और रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका इमीडिएट नेबर यूरोपियन वो नेटो का मेंबर बन जाए। नेटो फोर्सेस, यूएस फोर्सेस, यूके फोर्सेस और वेस्टर्न फोर्सेस बिल्कुल उसके बॉर्डर पे खड़ी हो जाए आगे। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया। बट दिस इज द सेम, ये सेम हरकत जो है वो फिनलैंड करने जा रहा है और उसने कहा है कि इनिशियली वो नहीं चाहता था कि वो ज्वाइन करे नेटो को, क्योंकि वो अपने वेस्टर्न एलाइज और ईस्टर्न नेबर जो कि रशिया है उसको खुश रखना चाहता था इक्वली। लेकिन इस वॉर को देखते हुए और कितनी कत्लो गारत हो रही है और किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो फिनलैंड बिलीव्स के इट द कंट्री इज नॉट सेफ अंडर अनलेस उसने नेटो को ज्वाइन किया और नेटो की फोर्सेज रेडी रहे उसको हेल्प करने के लिए अगर इस तरह की कोई सिचुएशन फ्यूचर में फिनलैंड के साथ आती है। तो इस वजह से उसने अपनी पॉलिसी के अंदर बिल्कुल एक कंप्लीट शिफ्ट लेके आ गया। तो पहले इट वॉज अगेंस्ट ज्वाइनिंग द नेटो, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो नेटो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे और फॉरन करेंगे विदाउट एनी डिले। दीज वर द वर्ड्स कोट एंड कोट, विदाउट एनी डिले दे आर गोइंग टू ज्वाइन नेटो। अब इस मूव को ईयू ने अप्रूव कर दिया है। ईयू सेज के दे शुड गो अहेड एंड ज्वाइन नेटो और ईयू का ये भी कहना है कि स्वीडन विल ऑल्सो ज्वाइन फिनलैंड इन ज्वाइनिंग नेटो इन 3 डेज, यानी 15 मई को स्वीडन भी अप्लाई कर देगा नेटो ज्वाइन करने के लिए। इस मूव को वेलकम किया है नेटो के चीफ ने, जेंस स्टोल्टनबर्ग ने। उन्होंने कहा है कि नेटो इससे ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और ये एक जॉइंट फेस होगा वेस्ट का, कि वेस्ट जो है वो यूनाइटेड खड़ा है, वेस्ट जो है वो यकजा है और किसी भी एनिमी को फेस करने के लिए रेडी है। सो इट नेटो भी स्ट्रेंथन होगी, यूरोप भी स्ट्रेंथन होगा, वेस्टर्न एलर्स यानी ये सारे के सारे जो हैं वो अपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इकट्ठी कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ क्वेश्चन यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या रशिया इस सब के दौरान चुप रहेगा, क्या वो इस मूव के खिलाफ कोई कदम उठाएगा। अब रशिया के लिए यूक्रेन के ऊपर हमला करना और उसको रोकना नेटो ज्वाइन करने से वॉज कंपैरेटिवली ईजी, क्योंकि उस वक्त उसकी आर्मी कोई ऑपरेशन एज सच नहीं कर रही थी और उसने हमने ट्रूप भेज दिए। बट राइट नाउ रशिया की मेजॉरिटी जो आर्मी है इट इज़ ऑक्यूपाइड विद द वॉर इन यूक्रेन, तो ऐसा नहीं है कि वो फिनलैंड को बाय फोर्स रोक सकती है। व्हाट रशिया कैन डू मोस्ट इज के वो उसको कंडेम करे, फिनलैंड को डिप्लोमेटिकली रोकने की कोशिश करे डिप्लोमेटिक टॉक से। लेकिन उसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि वो साइबर अटैक्स कर सकती है उनकी वेबसाइट्स को, उनके इदारों को टारगेट कर सकती है, उनके डिपार्टमेंट्स को, और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। और क्रेमलिन का ये बयान है कि फिनलैंड जॉइनिंग नेटो इज़ अ थ्रेट टू रशिया, सो दे एक्सेप्ट कि ये भी एक थ्रेट है और वो इसको काउंटर करेंगे, लेकिन किस स्टेप से करेंगे दैट इज़ करंटली अनक्लियर। कोई भी सॉलिड स्टेप वो अभी नहीं ले सकते, जो भी वो कर सकते हैं दैट इज़ बाय डिप्लोमेटिक वे या फिर अपनी ट्रेड रोके बाय फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मीन्स या फिर साइबर अटैक्स है। सो विल हैव टू सी कि ये फिनलैंड का जो डिसीजन है हाउ इट विल इम्पैक्ट द यूरोपियन एंड रशियन रीजन फर्दरमोर।